तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है यश गौतम और आप देख रहे हैं यशु गौतम वीडियोस। तो आज मैं आ गया हूँ आपके सामने एक और न्यू वीडियो लेके, जिसमें लाए हैं एक न्यू प्रोडक्ट जो मैंने अभी लिया है अपने लिए यूज़ के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए। और ये बहुत ही अच्छे बजट में आ रहा है और बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट होने वाला है। तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह देखिए और उसके बाद मैं इसे यूज़ करके भी देखूंगा और जो उसके स्पेसिफिकेशंस हैं वो वीडियोस में आगे बताऊंगा भी और आगे टेस्ट भी करके बताऊंगा कि ये जो डब्बे पे स्पेसिफिकेशंस लिखे होते हैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के, क्या ये उन पर खरा उतरता है या नहीं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यार, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू प्रोडक्ट के बारे में जो मैं अब अनबॉक्स कर रहा हूँ। पहले तो ये अमेजोन से मंगाया, मैं दिखा देता हूँ। और ये है वो बॉक्स, इसे पहले साइड में फेंक देते हैं, मेरे काम का नहीं है। तो ये है मेरे न्यू एयरबड्स, ये है बोल्ट की तरफ से। यहाँ पे मैं इसका नाम भी बता देता हूँ, FX1, जो अभी थोड़े टाइम ही पहले लॉन्च हुए हैं। और इसकी लॉन्चिंग डेट भी मैं बता दूंगा, जून 2021 में ही ये लॉन्च हुए। और इसके प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग तो मैं आपको दिखा देता हूँ और इसके स्पेसिफिकेशंस वाले भी आप दिखाइए। तो ये है वो प्रोडक्ट जिसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इसका नाम है बोल्ट ऑडियो FX1, प्रॉपर ब्रांड नेम के साथ आता है। और ये है इसका बॉक्स, राइट साइड से लेफ्ट साइड से ये बॉक्स में प्रॉपर प्रोडक्ट दिख रहा है क्या नाम है। और ये है इसकी ब्रांडिंग और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस दिखा रखे हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, एक्स्ट्रा बेस होने वाला है इन पे, बिल्ट इन माइक है दोनों में, और SD मतलब डीप बेस एंड 3D एकॉस्टिक, मतलब ये बहुत ही अच्छा साउंड देने वाला है। 1 ईयर की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलती है इस चीज़ में और बिल्ट इन माइक्रोवूफर्स मिलते हैं, जो आपको आगे पता चलेगा कि वो क्या होते हैं। अब बैक साइड में देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। गूगल वॉइस कमांड, मतलब आप इससे वॉइस कमांड के थ्रू भी सारा काम करा सकते हैं। पैसिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं मिलता इसमें, ये एक थोड़ा सा डिक्रीजिंग वाला पॉइंट है, बट ठीक है। इसमें कॉल्स एंड प्लस म्यूजिक कंट्रोल आप अपने गेस्टर्स से ही कर सकते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा। ब्लूटूथ 5.0 का ऑटो रिपेयर का कनेक्शन का सपोर्ट मिलता है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और बोथ ईयरबड्स मास्टर्स वाले हैं, मतलब एक ही टाइम पे बोथ ईयरबड्स कनेक्ट हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा देंगे। स्टीरियो कॉलिंग एंड माइक, जैसे कि मैंने बताया था इसमें डीप स्टीरियो बेस होने वाला है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब इसमें मैं यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह दिखा देता हूँ, ये आपको मिलेंगे जो इसका लॉन्चिंग डेट थी आप दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखी भी होगी गई ये रही जून 2021, बट ये मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुए हैं और ये थोड़े से। अब इसकी प्राइसिंग वगैरह मैं बता दूँ, ये आपको इस प्राइस पे नहीं मिलते, ये 4,999 रुपये का कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये मैंने बजट में लिए हैं। और इसकी प्राइसिंग वगैरह भी मैं लास्ट में दिखाऊँगा। तो यार, अब इस बॉक्स को खोलते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। पहले तो इसमें मिलती है एक गाइड, पहले देख लेते हैं इस गाइड में क्या प्रोडक्ट नीचे है। वन बाय वन चीज़ें देखते हैं ना, तो उसमें मज़ा ज़रूर आता है। गाइड वगैरह है और इसमें क्या है, एक कार्ड कौन छपा हुआ है, विक्की कौशल जी छपे हुए हैं। 1 ईयर की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है। रजिस्टर वारंटी करने के लिए कैसे कैसे QR है वगैरह चीज़ें साइड में रखते हैं ये चीज़ें। प्रोडक्ट हाथ में लेते हैं पहले, तो यार बहुत ही लाइट वेटेड प्रोडक्ट है और मैट फिनिश में आ रहा है, सबसे अच्छी चीज़। ग्लॉसी में नहीं आ रहा, तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है मेरे को। टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट के साथ है और इसके कुछ USP वाले पॉइंट्स जो मैं आगे बताऊंगा, उनमें से एक ये चीज़ है कि ये 32 घंटे का बैटरी लाइफ देता है, ये प्लेबैक टाइम 32 घंटे का है। अभी तक मैंने किसी भी ईयरबड्स में चीज़ें देखी नहीं है जिसमें 32 घंटे का बैटरी लाइफ दे या प्लेबैक टाइम कह सकते हैं दे, बट मेरे को इसमें मिलता है तो सबसे अच्छी चीज़ है। तो यार, इसके कुछ खोल के भी देख लेते हैं अभी से। ये हैं कुछ ईयरबड्स ऐसे दिखने में और ये अच्छा सपोर्ट में है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ ना कान में अच्छी तरह फिट होती है। और इसमें नीचे पन्नी दे रखी है ताकि ये चार्जिंग प्रॉपर कर सके। प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, अब देखते हैं इसके कुछ स्लोमो शॉट्स भी देखिए और प्रोडक्ट देखिए कैसा है।
अब इसको पेयर करके तो देख लें किस नाम से आएगा ये। ये मैंने एक निकाले, ये कान में लगा रहा हूँ मैं अपने। अब इसमें पहले फ़ोन में चेक करते हैं कि इसका नाम क्या आएगा। तो ये नाम आएगा जिसका नाम है बोल्ट ऑडियो FX1। अब इसे पेयर कर रहा हूँ मैं। पहले तो इसकी ब्राइटनेस पूरी बढ़ाई जाए ताकि यार ये चले, मेरे को नज़र भी नहीं आ रहा वैसे तो ज़्यादा। तो अभी और कनेक्ट हो गया। अब इसकी बैटरी लाइफ भी देख लेते हैं ऊपर से स्क्रॉल करके कितनी आ रही है। नीचे करने पे पता चल जाएगा इसमें 60% बैटरी रिमेनिंग है, क्योंकि मैंने इसे अभी चार्ज नहीं किया है, टेस्ट करके देखा है बट चार्ज नहीं किया है, तो इसे कनेक्ट किया है। अब इसके बेस वगैरह चेक करते हैं कैसा आएगा। तो अब मैंने ये दोनों ईयरबड्स अपने कान में लगा लिए हैं, न्यू वाले। अब इसमें मैं थोड़े से गाने वगैरह चला के चेक करूँगा कि कितनी अच्छी साउंड आती है। और ये ज़्यादातर मैं डीप बेस वाले साउंड सुनता हूँ ताकि मेरे को इसका अंदाज़ा हो जाए कि इसमें कितना बेस है और कितनी अच्छे स्टीरियो टाइप्स की जो सेटिंग्स इन्होंने बोली हुई हैं वो इस पर खरा उतरता है या नहीं। पहले डीप बेस वगैरह चेक कर लेते हैं पहले। इससे पहले इसमें लगा देता हूँ मैं और फिर बताता हूँ कि इसमें जो डीप बेस है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और सबसे अच्छी बात ये मैट में आता है तो यार इस पर कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह का भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे पुराने वाले में थे वो भी मैं दिखाऊंगा उसमें क्या दिक्कतें आती थी और इसमें क्या नहीं है और किस प्राइस रेंज में ये आ रहा है और किस प्राइस रेंज में वो आ रहा था, वो सारी चीज़ें भी वीडियो के एंड में मैं बताऊँगा। अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में जैसे मैं बताने वाला था, तो इसमें मिलता है आपको 32 घंटे का प्लेबैक टाइम, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया भी होगा। इसमें प्रॉपर कंपनी दावा कर रही है कि ये 32 घंटे तक का बैटरी लाइफ दे देता है, मतलब प्लेबैक टाइम दे देता है। और कंपनी एक और चीज़ दावा कर रही है इसकी बैटरी से रिलेटेड कि अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज करते हैं तो ये आपको 100 मिनट का प्लेबैक टाइम देता है, जो बहुत ही कमाल वाली चीज़ है। क्योंकि यार मेरे को अभी तक इस बजट रेंज में ऐसी कोई स्पेसिफिकेशंस वाला कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, या ईयरबड्स या ईयरफोन्स कह सकते हैं कोई नहीं मिला जो इस स्पेसिफिकेशंस में खरा उतरे। बट इसमें एक चीज़ नहीं मिलती आपको, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन, मतलब आप कहीं बाहर वगैरह है तो ये नॉइज़ कैंसिलेशन को एक्टिव नहीं कर पाएगा, इसमें ये सपोर्ट नहीं है, जो मेरे को एक थोड़ा सा डिक्रीजिंग वाला पॉइंट लगता है। बट ये जिन बजट में आ रहा है उस बजट में ये प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस के साथ बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट कह सकते हैं आप इसे यार। तो ये प्रॉपर मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। और ये मैं बता दूं, ये आपको अमेजोन पे मिलेगा 1499 रुपये का, मतलब 1500 रुपये का ये प्रोडक्ट है। और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, प्रॉपर रिकमेंडेड है मेरी तरफ से यार, ज़रूर लेना क्योंकि यार ये बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट कह सकते हैं। अब मैं इसका पुराना वाला वर्जन दिखा दूं जो मैं यूज़ कर रहा था। ये है मेरे बोल्ट के ही एयर बस फ्री पॉड्स, ये है मेरे पुराने वाले, आप देख सकते हैं। और इसको मैं अगर निकाल के भी दिखाऊं तो ये है, मैंने आजकल इसे यूज़ करना छोड़ दिया क्योंकि इसका एक खो गया है, बट ये है मेरे वो। ये ग्लॉसी में आ रहे थे और इस पर फिंगरप्रिंट वगैरह भी बहुत ज़्यादा दिखते थे जो मेरे को पसंद नहीं आते थे, तो मैंने इसमें यार ये वापस रख दिया और ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया, क्योंकि यार अपग्रेड करते रहना चाहिए ना प्रोडक्ट्स में, इसलिए मैंने ये रख दिए और न्यू मंगा लिए हैं। और इसका प्लेबैक टाइम कह सकते हैं आप 18 घंटे तक का था, क्योंकि इसे मैंने काफ़ी बार यूज़ करके भी देखा है। तो यार ये अपने उस स्पेसिफिकेशंस के टाइम पे खरा उतरा था, उस टाइम पे जिस टाइम पे ये मैंने लिया था। बट अभी ये प्रोडक्ट अपने स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से बहुत ही कमाल प्रोडक्ट है, तो ये प्रॉपर रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। तो आप अमेजोन पे दोनों के लिंक्स मैं डाल देता हूँ अगर आप लोगों को चाहिए तो। यार पहले डाल दूंगा कि ओल्ड प्रोडक्ट मेरा ये था और न्यू प्रोडक्ट ये था, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जल्दी से जल्दी जाके जरूर लेना। तो यार बस इतना रखते हैं इस वाली वीडियो के लिए, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और जो थोड़ा सा कंपैरिजन कह सकते हैं, मैंने अपनी वीडियो के एंड में बताया कि पुराने प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है और न्यू प्रोडक्ट मैंने किन वजहों से लिया और क्या स्पेसिफिकेशंस है न्यू प्रोडक्ट के। तो यार आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना जरूर वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि यार 1500 रुपये में आप कौन सा ईयरबड्स ले सकते हैं और किस स्पेसिफिकेशंस में आपको ये मिलेगा। तो यार ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको ये कैसा लगा और मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और अगर आपने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ,
जल्दी जल्दी फॉलो कर लो। और मेरे जो न्यू ट्रैवल चैनल है, जो ट्रैवल लवर्स हैं, उन लोगों के लिए जो मैं शिमला ट्रिप पे गया था उसके कुछ पार्ट्स अभी रह गए हैं एडिटिंग करना, धीरे धीरे मैं डाल रहा हूँ। और जो ट्रैवल लवर्स हैं वो उस चैनल को जरूर फॉलो करना है यार, क्योंकि ट्रैवल लवर हो तो भाई के चैनल को जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि इसमें ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज मैं डालता ही रहता हूँ, नई नई जगहों की, नई नई उसकी। तो यार बस इतना रखते हैं इस वाली वीडियो के लिए, मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो मिलता हूँ।